असलमैकम डियर व्यूवर्स कैसे हैं आप लोग दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल गाइज़ आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सबसे पहले आप लोगों को वेलकम है जी मेरे इस चैनल पे और गाइज़ जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें बेलकन प्रेस कर दें ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें इस वीडियो को लाइक करें अच्छे वाला कमेंट करें और गाइज़ इसका लिंक जहाँ 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 आप शेयर कर सकते हैं ज़रूर करें व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दें सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो जो आप यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक टिकटॉक जहाँ जहाँ आप एक्टिव हैं वहाँ पर आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चैनल है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं उनकी एक्सेस में होना चाहिए ताकि उन लोगों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा उनका फ़ायदा हो सके गाय इसके अलावा मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है यूट्यूब ऑडियंस के नाम से ताकि हम लोगों की जो कम्युनिकेशन है वो फास्ट हो सके तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है यूट्यूब ऑडियंस के नाम से ग्रुप है आप उस लिंक पे क्लिक करके आप उस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं इसके अलावा मैंने नीचे और भी काफ़ी सारे लिंक्स दिए हुए हैं तो बेटर है आप एक दफ़ा डिस्क्रिप्शन की का भी विजिट कर लें आपको वहाँ पर भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिल जाएंगी तो मैंने केमिस्ट्री पार्ट मैंने सारे सारे गेस्ट जो हैं पार्ट वन पार्ट टू के लास्ट ईयर के भी शेयर किए हुए हैं 2024 की पेरिंग स्कीम भी शेयर की हुई है मेरे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किए हुए हैं तो आप लोग वहाँ से जो है वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं तो टाइम कम है हम चलते हैं जी टू दी पॉइंट अपनी वीडियो की तरफ हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं गैस बायोलॉजी सेकेंड ईयर एनुअल एग्जामिनेशन 2024 में मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 15 से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि चैप्टर 15 में से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं लेट मी चेक के रिकॉर्डिंग भी हो रही है कि नहीं येस इट इज़ रिकॉर्डिंग हो रही है अच्छा जी गाइज देन देखें डिफाइन होम्योस्टेसिस विद एग्जाम्पल्स ये तो मुझे भी आता है लो जी वट आर हीट शॉक प्रोटीन्स ये भी मुझे आता है वट इज़ हाइपोटॉनिक एंड हाइपोटॉनिक एनवायरमेंट एंड वट चेंज अकर्ड इन द सेल इन दिस एन्वायरमेंट गाइज ये भी आता है तो गाइज मैं तो जहीन हो गया मैं तो भला पास हो जाऊँ अगर मैं बायो का पेपर दूँ तो थोड़ी थोड़ी सी बायो इंटर में नहीं थोड़ी थोड़ी नहीं सारी पढ़ी थी लेकिन इस बात को 20 साल गुजर गए हुए हैं तो अब चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी याद हैं थोड़ी थोड़ी सी भूल ली हैं जब नाम पढ़ते हैं तो बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे मूवीज़ के अंदर किसी का दूसरा जन्म दिखाते हैं तो उसको फिर पुरानी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता याद आती हैं दिमाग में थोड़े थोड़े धमाके होते हैं एनी वे डिफरेंशिएट बिटवीन लो जी मैंने अपनी सिम बंद नहीं की तो मुझे उल्टे सीधे मैसेजेस आना शुरू हो गए अच्छा जी डिफ्रेंशियट बिटवीन ओसमो कनफार्मर्स एंड ओसमो रेगुलेटर्स अच्छा उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव फ्लाइट्स एंड पैसि फ्लाइट्स डिफरेंशियट बिटवीन शेवरिंग थर्मोजेनेसिस एंड नॉन शेवरिंग थर्मोजेनेसिस उसके बाद गाइस डिफाइन एंडोथर्म्स एक्टोथर्म्स एंड हैट्रोथर्म्स उसके बाद राइट फोर अडाप्टशन ऑफ जीरोट्स एंड हाइड्रोफाइट्स एंड मीजोफाइट्स अच्छा जी उसके बाद डिफरेंशियट बिटवीन फाइबर्स एंड सेलेराइड्स उसके बाद क्वेश्चन नंबर टेन है जी डिफरेंशियट बिटवीन एफरेंट एंड इफरेंट आर्टीरियोल्स उसके बाद एलेवंथ क्वेश्चन है डिफाइन लिथोट्रेपसी वट इज़ हेमोडायलिसिस गिव इट्स इम्पोर्टेंस वट इज फॉर्म वट इज़ फॉर ट्रायोसम ट्रायोसियम हाउ इज इट फॉर्म्ड अच्छा जिसके बाद नंबर फोर्टीन है वाट इज़ रीनल फेलियर उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूरियो यूरोटैलिक एंड एन यूरियोटैलिक एनिमल्स लो जी मुझे तो ये टर्मिनोलॉजी सही तरह समझ नहीं आ रही तुक्के से मैं पढ़ी जा रहा हूँ तो जहाँ गलती होगी खुद ही क्लियर कर लीजिएगा डिफाइन एन हाइड्रोबायोसिस एंड विद एन एग्जाम्पल वाट इज़ हाइप्रोक्रोक्सलेरिया खुद ही पढ़ लीजिएगा पता नहीं क्या लिखा हुआ डिफरेंशियट बिटवीन फोटोनेस्टी एंड थर्मोनास्टी उसके बाद डिफाइन फोटोटेक्टिक एंड कीमोटेक्टिक मूवमेंट्स विद एग्जाम्पल्स ओके, गाइज देन चैप्टर सिक्सटीन डिफरेंशिएट बिटवीन बोन एंड कैटलेज नेम द अनपेयर्ड फेशियल बोन्स डिफरेंशिएट बिटवीन एपिकल लेटरल एंड द मेरिस्टम्स उसके बाद बात करेंगे जी वट इज़ ब्लास्टरडम नेम इट्स लेयर्स वट इज हेमाटोमा फॉर्मेशन हाउ कैलस इज फॉर्म्ड अच्छा गाइस उसके बाद वट इज़ अ सनोवियल ज्वाइंट गिव कंपोजिशन ऑफ एक्जोसेटन इन मोलस एंड आर्थरोपोर्ड्स अच्छा उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन हायालिन एंड फाइब्रोकैडिलीज उसके बाद हम बात करते हैं जी वट इज़ श्टिका and its causes differentiate between effective and recovery stocks what is non-disjunction give its effects what is rickets give its causes and treatment differentiate between tendons and ligaments what are the internal factors which affect the process of growth achaji what is secondary growth give its importance what are वट आर ब्रेंकियालिस एंड ब्रेंक्योरेडियालिस उसके बाद हम बात करते हैं जी चैप्टर नंबर 17 की वट आर अफेक्टर्स गिव देयर टाइप्स नेम ओनली टाइप्स ऑफ इेट बिहेवियर डिफ्रेंशिएट बिटवीन न्यूरोला एंड न्यूरोसिल डिफाइन प्राइमरी ऑर्गेनाइजर्स एंड प्राइमरी इंडक्शन उसके बाद ड्रॉ एंड लेबल सेंसरी न्यूरोन डिफाइन रिफ्लैक्स आर्क डिफ्रेंशिएट बिटवीन नर्वस एंड गैंकलिया वट इज सल्ट वट इज सल्टेट्री इम्पल्स वट इज इफेक्ट्स ऑफ निकोटीन ऑन कोऑर्डीनेशन वट इज़ क्लोरोसिस वट इज़ हार्मोन लिस इ्स टाइप्स डिफाइन हैबिजेशन विद एन एग्जाम्पल गि फंक्शन ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड एंड एड्रीनल ग्लैंड वाट इज एलर एल जीमर्स डिजीज पता नहीं क्या प्रोनासीएशन है इसकी मैंने तुक्के से बोल दी है खुद ही करेक्ट कर लीजिएगा देन चैप्टर एटीन है डिफ्रेंशियटीन सेक्शुअल एंड ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन उसके बाद डिफाइन पार्थिन कैपी गिव एग्जाम्पल्स वट इज सी डॉमेनसी गिव इट्स इम्पोर्टेंस अच्छा जी उसके बाद है वट इज़ फोटोप्रियाडिज्म प्लांट्स अच्छा जी उसके बाद डिफाइन वॉर्नलाइजेशन राइट इट्स टू एडवाटेज डिफाइन टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग विद एग्जाम्पल्स

डिफाइन है एंड डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस अच्छा जी उसके बाद है व्हाट इज ओव्यूलेशन चैप्टर 19 है डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिफरेंशिएट बिटवीन एपिकल लेटरल एंड इंट्रोकैलरी मेरीस्टम्स राइट थ्री साइंस ऑफ एजिंग गिव टू कॉजिज ऑफ एबनॉमल डिवेलपमेंट वट इज़ ब्लास्टोडम नेम इलेयर्स वट आर द इंटरनल फैक्टर्स विच अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ What is discoidal cleavage? Differentiate between neurula and neurocele. What is organogenesis? Define regeneration with example. What is meristems? What is meristem? What do you know about op open growth? Differentiate between morula and blastula stage in the development of in the development of chick. वट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन चिक एंड एम्फीबियन एम्बरियो उसके बाद है जी डिफाइन कोरलेशन डिफाइन हाइपोब्लास्ट एंड एपी ब्लास्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ साइटोप्लाजम इन द डिवेलपमेंट वट इज़ मेट बाई डिफ्रेंसीएशन चैप्टर ट्वेंटी है जी इसके क्वेश्चन हैं डिफाइन एन टी एन ए रोल ऑफ रोल ऑफ लैमडा फेज वट इज एक्ट वट इज एंटीकोडॉन वट इज़ केरियोटाइप राइट थ्री मेजर डिजीज़ फॉर एन ए वाट इज म्यूटेशन वेयर डज डी एन ए रेप्लीकेशन स्टार्ट ऑन द डी एन ए मॉलिक्यूल उसके बाद है जी डिफाइन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस डिफाइन क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियोसोम्स डिफाइन सेमी कंजरवेटिव रेप्लीकेशन फिर है जी एक्सप्लेन सेक्स लिमिटेड ट्राइट्स वट इज फॉसफोडाइसटर लिंकेज वट इज मैंट वट इज मैन कैम्पन ऑफ डी एन ए डिफाइन पॉइंट म्यूटेशन एंड क्रोमोसोमल एब्रेशन वट आर ओका जैकी फ्रेगमेंट्स गिव दे यिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन उसके बाद हम बात करते हैं जी ट्वेंटी फर्स्ट चैप्टर की इसके क्वेश्चन हैं जी वट इज़ नॉन डिसजंक्शन गिव इट्स अफैक्ट्स डिफाइन सेल साइकिल गिव इट्स फेजिस हाउ साइट ऑफ एनासिस Occurs in animals and plants. What is mitotic apparatus? Give its functions. Explain homologous and analogous organs. Uske give importance of mitosis or meiosis. What is metastasis? Write its importance. Differentiate between apoptosis and necrosis. Write the symptoms and causes of downs Down syndrome. What is Turner's syndrome? Give its causes and features.

what is uh, creatinism define describe genoria I genoria you read it what is transformation what is allele and gene and gene pool and gene frequency what is over dominance and cow dominance and what is genetic drift genetic code fix alleles name any four animals declared extinct in Pakistan define homozygous and heterozygous alleles वट इज एपिसटेसिस वट इज बॉम्बे फेनोटाइप डिफ्रेंशिएट बिटवीन जिनोटाइप एंड फेनोटाइप वट इज वट इज टोटी पोटेंसी एंड टोटी पटेंट सेल वट इज ट्रू ब्रीडिंग वराइटी वट इज मैंट बाई एम ओ टी वाई अच्छा जी उसके बाद चैप्टर ट्वेंटी थ्री आ जाता है जी डिफाइन बायो टेक्नोलॉजी विट्स एप्लीकेशंस डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेलेक्यूलर सीजर्स एंड मलेक्यूलर वैक्टर्स उसके बाद है गिव टू रिक्वायरमेंट्स टू प्रोड्यूस रिकम्बिनेंट डी एन ए अच्छा जी एक्सप्लेन एंड गिव एग्जाम्पल ऑफ एक्स वीवो एंड इन वीवो जीन थेरेपीज इन ह्यूमस वट आर ट्रांसजेनिक प्लांट्स गिव थ्री पॉसिबल वेज टू गेट द जीन ऑफ इंटरेस्ट गिव टू गोल्स ऑफ ह्यूमन जनॉम प्रोजेक्ट्स वट इज प्रॉब गिव इट्स यूज डिफाइन जनोमिक लाइब्रेरी उसके बाद जनाब चैप्टर नंबर ट्वेंटी फोर है ट्वेंटी थ्री चैप्टर में से डिस्कस कर ली ट्वेंटी फोर है हाउ आर्टिफिशियल सिलेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल सिलेक्शन स्टेट थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन नेम एनी फोर एनिमल्स डिस्क्राइब डिकलेयर एक्सटिंकट इन पाकिस्तान डिफाइन नीओडावनिज़म मॉडर्न सेंथस

अच्छा डिफरेंशियट बिटवीन होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन स्टेटोसिबाट्स हैपोथसिस चैप्टर ट्वेंटी फोर में से पेपर शॉर्ट नहीं आने तो ट्वेंटी फाइव की बात कर लेते राइट डाउन द टाइप्स ऑफ लिविंग्स ट्वेंटी फोर में से तो आने हैं ट्वेंटी फाइव में से भी आने हैं राइट डाउन द टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन लेमेटिक जोन डिफरेंशियट बिटवीन क्लाइमेट एंड वैदर डिफाइन रिनीबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स उसके बाद डिफाइन इकोसिस्टम इकोसिस्टम के बाद बायोसफियर एंड बायोमैस बायोम अच्छा डिफरेंशियट बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी विद एग्जाम्पल्स उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन सिनकोलॉजी एंड ऑर्टिकोलॉजी वाट इज प्रडिशन प्रडेशन गिविथ सिग्निफिकेंस डिफाइन पैरासिटिज्म एंड कॉमनसलिज़म डिफाइन फूड चेन एंड फूड वेब डिफरेंशियट बिटवीन हैबिटेट एंड नीके

और यहाँ तक आप तैयार करें शॉर्ट क्वेश्चंस को तो अभी थोड़ी देर तक फिर मैं लॉन्ग क्वेश्चंस की भी वीडियो अपलोड कर देता हूँ तो बाकी गाइस ये है कि मेरी तरफ़ से आप लोगों के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक है बेस्ट विशेज़ हैं मैं हमेशा आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ अभी भी कर रहा हूँ अल्लाह करे आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाए और जितना आपने इस पेपर से उम्मीदें लगाई हुई हैं अल्लाह करे आपके मार्क्स उससे भी अच्छे आ जाएँ तो बाकी मेरे लिए भी दुआ किया करें मेरी तरफ़ से आप लोगों के लिए बेस्ट विशेज़ हैं अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का लिंक जो है वो ज़रूर शेयर करिएगा जहाँ जहाँ कर सकते हैं और बाकी अपना ख्याल रखिएगा थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़